चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें राजधानी भोपाल से मिल रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज का बयान सामने आया है, कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद ने शिवराज सरकार को धन्यवाद दिया है। कंप्यूटर का नाम ही अजीबो गरीब है, नरेंद्र गिरी का ये कहना है। गौशाला की जमीन पर आधुनिक महल बनाकर रखा हुआ था, अपने फायदे के लिए राजनीति का दामन बदलता रहता था। तो गौशाला की जमीन पर आधुनिक महल बनाकर रखा हुआ था और अपने फायदे के लिए राजनीति का दामन बदलता रहता था कंप्यूटर बाबा। इस तरीके के जो है बयान नरेंद्र गिरी के सामने आए हैं। कंप्यूटर का नाम ही अजीब गरीब है, नाम को भी अजीब गरीब बताया है अपने बयान में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज और उनका बयान आया कंप्यूटर बाबा पर, जो कार्रवाई की गई है कंप्यूटर बाबा के द्वारा, जो अवैध कब्जा किया गया था उस पर कल कार्रवाई की गई, आश्रम को तोड़ा गया। उसके बाद सियासत जो है लगातार गर्माई हुई है, तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, कई साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चलिए और अब आपको सुनवाते हैं नरेंद्र गिरी महाराज का वो बयान जिस पर कंप्यूटर बाबा पर जो बयान उन्होंने दिया है। इंदौर में गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा, जिनका नाम ही अजीब है, अवैध कब्जा करके एक आलीशान आश्रम तो नहीं कहेंगे अपने लिए सुविधाजनक भवन बनाया, यह कार्य निंदनीय है। कोई भी संत महात्मा इस कार्य का समर्थन नहीं करेगा कि जहां गौवे चलना चाहिए वहां आप आश्रम बनाइए। मध्य प्रदेश सरकार ने उस अवैध कब्जे को हटा करके एक उचित काम किया है। मध्य प्रदेश और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अद्वरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, कल जिस प्रकार से कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की गई, अवैध कब्जा था उसको लेकर कार्रवाई की गई और उसके बाद से लगातार सियासत गर्माई हुई है, नेताओं के बयान भी सामने आए और साधु संतों के भी बयान अब सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज का बयान सामने आया, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर बाबा के द्वारा जिस तरह से करोड़ों रुपए की जमीन पर, गौशाला की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसके बाद राजनीति गरमाई है। राजनीतिक लोग तो बयानबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन जो संत समाज है भाई भी इसकी भर्त्सना कर रहा है। अखिलेशानंद महाराज ने भी ट्वीट करके इसकी भर्त्सना की, तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी महाराज, इन्होंने भी कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कंप्यूटर नाम ही अजीब हो गरीब है, इस तरह का कोई नाम होता नहीं है किसी भी संत का। दूसरा, जब गौशाला की जमीन थी तो आधुनिक आश्रम क्यों बना के रखा था? उन्होंने धन्यवाद दिया है मध्य प्रदेश सरकार को कि इस तरह के जो महाराज रहते हैं, कंप्यूटर बाबा है, इस तरह के लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की है उसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद दिया है। जी शुक्रिया अंकुर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, जो नरेंद्र गिरी महाराज का ये बयान सामने आया, कंप्यूटर बाबा पर की गई कार्रवाई को सही ठहराया, साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने ये कार्रवाई की है, क्योंकि आश्रम की जगह जो है, आश्रम भले था कहने को था लेकिन महल से कम नहीं था।